जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने 2022 विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गैर प्रदेश से तस्करी कर शराब लाने वाले तस्करों के खिलाफ रासुका व गैंगस्टर जैसे कड़ी कार्रवाई करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया, जिससे चुनाव के दौरान शराब के बल पर चुनाव जीतने वालों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके और सकुशल चुनाव को संपन्न कराया जा सके। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का DM ने सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्षता से कराने और शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें धरपकड़ करने का निर्देश देते हुए कहा कि 10 वर्षों से अवैध शराब कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री, तस्करी आदि में जो भी नाम प्रकाश में आए हो अथवा नामजद हो, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। चुनाव के पूर्व लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराने का भी निर्देश दिया। इतना ही नहीं, लूट, हत्या, डकैती व चोरी के अभियोग में वांछित तत्वों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द करने का उन्होंने निर्देश दिया, जिससे चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीना, SP सिटी सोनम कुमार, जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, CRO सुशील कुमार गौड़, ADM वित्त राजेश कुमार सिंह, SDM सैजनवा सुरेश राय, SDM कैंपियरगंज पंकज दीक्षित सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।